आज हम आपको डेल ऑप्टिफ्लैट पेयरिंग के मतलब आपको बताएंगे कि इसमें आपकी ऑरेंज लाइट जो है ना कैसे नमोदार हो जाती है, फॉल्ट क्या आता है कंप्यूटर में कि वो आ जाए। तो सबसे पहले आपने सिस्टम को ओपन करना है, इसको पावर केबल लगानी है तो ये आगे से ऑन हो जाएगा। आगे से आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये ग्रीन लाइट आपको नज़र आ गई। पर्सन आपकी यहाँ पे ऑरेंज लाइट आ जाती है तो क्या फॉल्ट होता है ये आज आपको हम बताएंगे। ये ऑरेंज लाइट आती है सबसे पहले या तो सिस्टम ख़राब हो जाता है, इसका बोर्ड शॉर्ट हो जाता है, या इसका प्रोसेसर जो है ना वो रनिंग नहीं कर रहा होता, काम नहीं कर रहा होता। तो आपने सबसे पहले इसका प्रोसेसर खोलना है, इसका उतार के हार्ड भी उतार के इसका खोलेंगे, इसको प्रोसेसर को ये हीट गन है ये, इसको आप दो पेच लगे हुए हैं इसको आप खोलेंगे। हीट सिंक को खोलने के बाद आपको ये नीचे ये प्रोसेसर नज़र आएगा। जब हम इसको उतार देते हैं ऐसे तो तब इसे आप ऑन करते हैं तो आप देखना यहाँ पे आपको ऑरेंज लाइट जो है ना वो डिस्प्ले पे आएगी। इसका मतलब है कि आपका प्रोसेसर लगा ही नहीं हुआ, काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आप अगर आप सबसे पहले ऑरेंज लाइट आ जाए तो ये फॉल्ट चेक करें कि ये फॉल्ट है कि आपका प्रोसेसर काम नहीं कर रहा, इस वजह से कि आपका सिस्टम भी ऑन नहीं होगा, डिस्प्ले भी नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आप इसके अलावा भी ऑरेंज लाइट का ये फॉल्ट आ सकता है कि आपका बोर्ड, ये जो बोर्ड है ये कहीं से भी शॉर्ट हो जाए तब भी ऑरेंज लाइट नमोदार हो जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि प्रोसेसर को चेक करें, प्रोसेसर आपका सही तरीके से ना लगा हो या प्रोसेसर ऑटो फोल्डर हो गया हो तो इस वजह से भी ऑरेंज लाइट आ जाती है। इसके बाद अगर आपका चेंज करने या लगाने के बाद भी आपकी ऑरेंज लाइट नमोदार रहती है तो आपका बोर्ड शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये आपको घर बैठे आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्योंकि लॉकडाउन के ज़रिए दुकानें बंद हैं, आप घर बैठे आपका सिस्टम ख़राब हो गया तो आप उसको अपने तरीके से अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई फॉल्ट इसके हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आपको अगली वीडियोस में हम आपको सब कुछ इसकी रिपेयरिंग के मतलब बताएंगे। पहले सबसे आज आपको हमने ऑरेंज लाइट के मतलब बताया है, तो आप इस पर फोकस रखें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।